Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is Redefining the Geography of Education through Digital Resource for Conceptual Learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 3. The unit is 2. The title of unit 2 is Addition and Subtraction. Addition and Subtraction mein aaj ka jo hamara topic hai wo hai even and odd numbers. Even numbers kya hote hain aur odd numbers kya hote hain? We can classify the numbers on the basis of their pairing characteristics as even and odd. वो कह रहा है हम नंबरों को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेयरिंग इनकी पेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो कि इवन की होती है या ऑड की होती है. हम इवन और ऑड की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं. द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली इंटू पेयर्स, ऐसे नंबर जिनको पेयर्स में कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है आर कॉल्ड इवन नंबर्स. उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 and so on आर द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. वो कहते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास पहले 5 इवन नंबर्स हैं. अब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में हमें वो कह रहा है द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड कम्प्लीटली इंटू पेयर्स. वो कहते हैं वो नंबर जिनको कम्प्लीटली पेयर में नॉट डिवाइड किया जा सके आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. इनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास क्या है फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं. इवन नंबर्स को इस तरीके से बताया हुआ है कि ऑल इन पेयर्स देखें 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ये सारे क्या हैं पेयर्स की सूरत में पड़े हुए हैं. यहाँ आपके 2 एंड्स भी शो किए हुए हैं ये पेयर्स को डिनोट कर रहे हैं. ऑड नंबर्स में वो कह रहे हैं नॉट ऑल इन पेयर, वो कहता है सारे इसमें पेयर में नहीं होते. 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ये पेयर्स में मौजूद नहीं होते. वो कह रहे हैं डू यू नो टू आइडेंटिफाई 2 डिजिट और ग्रेटर देन 2 डिजिट इवन एंड ऑड नंबर कैन बी ऑब्जर्व डेट. कहता है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 या 2 से बड़ा डिजिट हो उसको इवन है कि ऑड है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. कहता है नंबर एंडिंग इन, कहता है जोन से नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे एंड हो रहे हैं जिनका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है नंबर जितना मर्जी बढ़ाओ 8 है तो वो कह रहे वो जिनके लास्ट 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो इवन नंबर्स होंगे और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो कौन से नंबर्स होंगे ऑड नंबर्स होंगे. एक्सरसाइज 2.10 भी हमें वो कह रहे हैं सर्कल ऑल द ऑड नंबर्स. जो हमें ऑड नंबर्स दिए हैं उनको क्या करें सर्कल करें. ऑड नंबर हमने क्या बताया जिनके एंड पे 1, 3, 5, 7, 9 आए, इसके एंड पे 8 आ रहा है नहीं, 1 आ रहा है ऑड, 6 आ रहा है नहीं, 3 आ रहा है ऑड, 2 आ रहा है नहीं, 7 आ रहा है ऑड, 4 इवन में चला रहा है 83 आ रहा है ऑड, 25 ऑड, एंड पे 4 है नहीं, एंड पे 8 है नहीं, 7 आ रहा है ऑड, 9 आ रहा है ऑड, 0 है इवन पे चल जाएगा, ये 5 आ रहा है ऑड पे, ये इवन पे, ये ऑड इवन ऑड इवन और ये ऑड. इस तरीके से हमने सर्कल करके सारे ऑड्स अलग कर दिए. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सर्कल द इवन नंबर्स. अब ऊपर हमने ऑड नंबर्स को सर्कल किया था, नीचे हमने इवन नंबर्स को सर्कल करना है. इवन नंबर्स कौन से हैं जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इसके एंड पे 8 आ रहा है इवन, ये ऑड है, 4 आ रहा है इवन, 5 आ रहा है ऑड है, 6 आ रहा है इवन, 9 ऑड है, 0 आ रहा है इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये ऑड है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ऑड ऑड इवन इवन और वो ऑड. इसी तरीके से सर्कल आउट करके हमने सारे इवन नंबर्स अलग कर लिए. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 20 एंड 45. 20 और 45 का मतलब जितने भी इवन नंबर है उनको लिखें. क्वेश्चन 3 इवन नंबर्स बिटवीन 20 एंड 45 आर. इवन नंबर हमारे कौन से आर 20 और 45 के दरमियान देखें 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 and 44 ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि इवन है और वो 20 से 45 के दरमियान में आ रहे हैं. इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. गौर पब्लिशर ज्वाइन करेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.